हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया खुलासा, भारत में कब से शुरू होगी बुलेट ट्रेन सेवा। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार खासा ध्यान दे रही है। यही कारण है कि सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों की टीम के साथ सूरत से लेकर नवसारी तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लाइन का जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वे 2026 में गुजरात की सूरत और बिलीमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में काफी अच्छी तरह से काम हुआ है। साथ ही ये भी कहा कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में अच्छी प्रगति हुई है और काम तेज गति से किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को सूरत के 84 तालुका में वकटाना गाँव के पास मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के एक खंडीय कास्टिंग यार्ड के संचालन का निरीक्षण किया। इसके अलावा परियोजना के तहत निर्माणाधीन अंतोली रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया। इसके बाद वे रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोष के साथ नवसारी के नसीरपुर भी गए, जहां उन्होंने परियोजना स्थल का भी दौरा किया। निरीक्षण के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 61 किलो मार्ग पर खंभे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 150 किलोमीटर के मार्ग पर काम चल रहा है, साथ ही 508 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का 91% हिस्सा एलिवेटेड है। सिर्फ 4 किलोमीटर लंबी लाइन जमीन पर है। साथ ही उन्होंने बताया कि 7 किलोमीटर हिस्सा महाराष्ट्र में समुद्र के अंदर से होकर गुजरेगा। उन्होंने बताया कि इस लाइन पर कुल 12 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, इसमें से 8 गुजरात और 4 महाराष्ट्र में होंगे। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, नई वंदे भारत ट्रेनों, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, बुलेट ट्रेनों जैसी अति आधुनिक और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हम 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर हो रहे काम के बारे में बोलते हुए उन्होंने बताया कि वहां भूमि अधिग्रहण में समस्याओं के कारण काम धीमा हुआ है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को परियोजना पर सहयोग और सहयोग की भावना से काम करना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र पर तंज कसते हुए आगे बताया कि ये एक राष्ट्रीय परियोजना है और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम इस परियोजना पर एक साथ काम करने का एक उदाहरण स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक गुजरात पर ध्यान केंद्रित रहेगा। इससे पहले सूरत में एक साइट पर बुलेट ट्रेन परियोजना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें केंद्र की एक राष्ट्र एक राशन योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी की सेवा और विकास की भावना से काम कर रही है। गौरतलब है कि इस परियोजना का उद्देश्य अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल HSR कॉरिडोर पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बुलेट ट्रेन चलाना है। ट्रेन से दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को मौजूदा 6 घंटे से घटाकर लगभग 3 घंटे करने का लक्ष्य तय किया गया है। जागरूक टीवी के लिए सूरत से खास रिपोर्ट।